आरी पब्लिक स्कूल क्लास 5 जीके कर रहे थे। देखिए जो जीके की आपकी बुक है इसका नेम क्या है, जीके प्लेनेट, और इसका हम टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। टर्म 1 में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली थी, आज से हमें स्टार्ट करना है यूनिट 2। यूनिट 2 का नेम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, उन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 5 है पेज नंबर 10 पे, तो आज हम ये फिफ्थ चैप्टर करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 का नेम क्या है, सोशल मीडिया एंड टेक टर्म्स, है ना। सोशल मीडिया, आई होप आपको सोशल मीडिया तो बहुत ही अच्छे से पता होगा, ठीक है। सोशल मीडिया मींस फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज यहाँ पे आती है, ये सारे सोशल मीडिया ही होता है। द नंबर ऑफ सोशल मीडिया यूजर इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। आप जानते हैं आजकल हर मोबाइल या फिर सब पर्सन के पास है ना, ऑलमोस्ट एवरी वन हैव द मोबाइल, ठीक है। अगर मोबाइल है तो उसके पास सोशल मीडिया ऐप्स जरूर होंगे, ठीक है। और ये नंबर्स बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है ना सोशल मीडिया यूजर्स का। टू हैंडल सोशल मीडिया अकाउंट्स वन नीड टू बी अवेयर ऑफ सर्टेन टर्म्स। अगर हम सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज का पता होना चाहिए, तो वही चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि उन टर्म्स का क्या मीनिंग है, ठीक है। सबसे पहला टर्म है एफर्मल कंटेंट। एफर्मल कंटेंट क्या होता है, देखो फर्स्ट का जो आंसर है वो है हमारा क्या, सी। फर्स्ट का जो है वो सी है। इसका मीनिंग क्या है, इट रिफर टू द कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट डिसअपीयर आफ्टर अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पे जो कि कुछ टाइम के बाद अपने आप क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, उसको बोलते हैं हम एफर्मल कंटेंट। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट वाले का सी आंसर। सेकेंड वाला देखो, हैशटैग। सेकेंड इज हैशटैग। अब सेकेंड हैशटैग मींस क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो होगा हमारा जे वाला पार्ट, सबसे लास्ट जो है, ठीक है, जे वाला पार्ट। तो जे में क्या, इट रिफर्स टू एनी वर्ड फ्रेज, इट रिफर्स टू एनी वर्ड फ्रेज दैट फॉलोज। देखो हैशटैग का सिंबल भी ऐसा होता है हम जानते हैं। इट इज यूज इन सोशल मीडिया एज वेल एज टू फाइंड द कंटेंट अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक एज वेल एज टू मेक यूजर्स कंटेंट मोर डिस्कवरेबल टू द अदर यूजर, है ना। तो दूसरे यूजर को आसानी से या फिर किसी टॉपिक को इजीली अगर हमें फाइंड कर रहा हूँ तो हैशटैग को हम यूज करते हैं। तो ठीक है, ये वाला हो गया सेकेंड वाले का हमारा जे वाला पार्ट, क्या हो गया जे। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, लेंस। क्या लिखा हुआ है थर्ड में, लेंस। अब लेंस एक तो होता है जो हम आंख में लगाते हैं, है ना, लेकिन एक इसके अकॉर्डिंग भी होता है। देखो थर्ड का जो आंसर होगा ये होगा हमारा एफ वाला पार्ट, है ना। इट इज एन एनिमेटेड ओवरले इफेक्ट, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एनिमेटेड ओवरले इफेक्ट दैट इज यूज्ड बाय यूजर आर टेकिंग फोटो देमसेल्फ्स, आल्सो नोन एज सेल्फी। सेल्फी को ही हम क्या, लेंस के टर्म में बोल सकते हैं। इट कैन बी, इट कैन एनिमेट द यूजर इमेज वाइल इन कैमरा मोड एंड अपियरिंग एज एनीथिंग, ठीक है। तो लेंस का क्या हो जाएगा हमारा एफ वाला पार्ट, ठीक है। तो थर्ड का एफ। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ जो है वो हमारा क्या है, एंगेजमेंट। फोर्थ इज एंगेजमेंट। तो फोर्थ का जो आंसर है इसका हमारा जी, ठीक है जी। इट रिफर्स टू एनी एक्शन टेकन बाय सोशल मीडिया, इट रिफर्स टू एनी एक्शन टेकन बाय सोशल मीडिया यूजर ऑन योर पेज। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स, रिएक्शन, शेयर्स और कमेंट्स। मीन्स जो भी अगर आप कोई भी पोस्ट डालते हैं तो उसका लाइक, शेयर, कमेंट, ये सारी चीज होती है, तो उसको हम एंगेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है फोर्थ वाले का, तो क्या हो गया हमारा फोर्थ का जी। फिफ्थ पे आ जाते हैं, आया ना समझ में एंगेजमेंट क्या होता है, जो भी अभी मैंने बताया। अब देखो फिफ्थ वाले में क्या है, इंप्रेशंस। इंप्रेशन, ठीक है। इंप्रेशन क्या होता है हमारा सोशल मीडिया के टर्म में, तो ये हमारा फिफ्थ वाला पार्ट। और इंप्रेशन का मीनिंग जो आंसर है इसमें वो है हमारा किस पे, बी वाले पर। तो इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स योर पोस्ट हैव बीन सीन बाय यूजर ऑन सोशल मीडिया। जैसे आपने एक फोटो या फिर आपने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली तो उसको कितनी बार लोगों ने देखा, वाइल स्क्रोलिंग ऑल्सो दैट इम्प्रेशन विल बी काउंटेड, ठीक है। तो जो भी अपन या फिर कोई भी पोस्ट डालते हैं तो उसको कितनी बार यूजर्स ने देखा उसको बोलते हैं इम्प्रेशंस। तो बी वाला जो देखा एक्चुअली, अगर उसको ओपन करके नहीं एज ए नॉर्मल भी देख लिया तो वही इम्प्रेशन में काउंट होगा वो। तो जो हमारा फिफ्थ वाला है इसका क्या आंसर हो गया हमारा बी।
फिफ्थ का बी। सिक्स्थ पे आ जाते हैं, सिक्स्थ है शेयर। शेयर तो आई होप आपको बहुत ही इजीली पता होगा शेयर क्या होता है। तो ये जो सिक्स्थ वाले का आंसर है ये हमारा आई, ठीक है। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम एनी यूजर पीस ऑफ कॉन्टेक्ट हैज बीन रीपोस्टेड ऑन सोशल मीडिया। इट इज डन बाय क्लिकेबल बटन दैट अलाउज यू टू रीपोस्ट अदर यूजर्स कॉन्टेक्स्ट। मीन्स रीपोस्ट करते हैं हम किसी यूजर का कंटेंट, उसको शेयर बोलते हैं। तो सिक्स्थ वाले का जो आंसर है वो क्या हो गया हमारा आई। सेवेंथ वाले पे आ जाओ, सेवेंथ में क्या लिखा हुआ है हैंडल। सेवेंथ में क्या लिखा हुआ है हैंडल। तो हैंडल का मीनिंग क्या होता है, इट रिफर्स टू यूजर अकाउंट नेम ऑन ट्विटर, है ना। ये क्या रिफर करता है, यूजर अकाउंट नेम जो ट्विटर पे होता है इसका हैंडल। बट इट कैन बी इन रेफरेंस टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो और ये वाला ऐसे जरूरी नहीं है जो नाम ट्विटर पे डाला वो दूसरे सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते, वो भी डाल सकते हैं। तो जो हमारा क्या हो गया सेवेंथ का ए हो जाएगा आंसर। सेवेंथ का क्या हो जाएगा ए। एट्थ पे आ जाते हैं, एट्थ में क्या लिखा हुआ है स्टोरी। एट्थ में क्या है स्टोरी। तो एट्थ का जो आंसर होगा ना वो होगा हमारा क्या डी। एट्थ का जो होगा यह होगा हमारा डी वाला पार्ट, है ना। तो एट्थ में लिखा है स्टोरी और स्टोरी में क्या लिखा है, आइदर ऑन इंस्टाग्राम ऑन फेसबुक इट इज कलेक्शन ऑफ फोटोज और वीडियोज कंपाइल्ड इन वन एल्बम दैट कैन बी शेयर्ड विद अदर यूजर ऑन द प्लेटफॉर्म, है ना। ये कलेक्शन होता है हमारे फोटोज का या वीडियोज का जो कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे हम शेयर करते हैं, है ना। डेट कैन बी शेयर्ड विद अदर यूजर, है ना, जो कि हम अपने अदर यूजर्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो ये जो एट्थ का हो गया ये हमारा क्या हो गया डी आंसर। आंसर ऑफ एट्थ इज डी। नाइन्थ फिल्टर, फिल्टर तो बहुत ही अच्छे से पता होगा फिल्टर क्या होता है। तो नाइन्थ जो है वो फिल्टर है। तो नाइन्थ में क्या आएगा हमारा आंसर सी, सॉरी ई। नाइन्थ का जो आंसर है वो है ई। तो क्या होता है देखो फिल्टर, इट इज यूज ऑन सर्टेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज अ वे फॉर यूजर टू एडिट देयर फोटो, है ना। फोटो को वगैरह को एडिट करने के लिए हम फिल्टर लगाते हैं। इट ऑफ्टन ओवरले इफेक्ट ऑफर्स एन ओवरले इफेक्ट दैट कैन बी रिप्लेस्ड इन ऑन टू इमेज, है ना। तो ये इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं, ये फिल्टर होते हैं, है ना। फिल्टर तो वर्ड हमने बहुत बार सुना हुआ है। तो नाइन्थ का जो आंसर है ये हमारा ई। नाइन्थ का जो आंसर है वो है ई। टेंथ पे आ जाओ, टेंथ में क्या लिखा हुआ है देखो, ट्विटर है टी, है ना, ट्विटर ट्विटर है टी। अब ये क्या है देखो टेंथ वाला, टेंथ का जो आंसर है ये हमारा लास्ट बचा हुआ एच। इट रिफर्स टू द यूजर ऑन ट्विटर हु हैव एन इनक्रेडिबल लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड हु पोस्ट रेगुलरली। मीन जैसे यूट्यूब पे सब लोग जो रेगुलर पोस्ट डालता है उसको यूट्यूबर बोलते हैं, इसी तरीके से ट्विटर पे जो रेगुलर पोस्ट डालता है या जिसके बहुत ज्यादा ह्यूज फॉलोअर्स होते हैं उसको ट्विटर आईडी बोलते हैं, ठीक है। तो टेंथ का क्या हो जाएगा हमारा जो लास्ट बचा हुआ है एच। तो इस तरीके से हमारे पूरे टेंथ के 10 पार्ट्स कंप्लीट हुए, इस 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ, यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ जो कि चैप्टर नंबर 5 है पेज 10 पे। तो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल। बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको कहाँ मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।